नमस्कार। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से आयोजित संगीत संध्या में आपका स्वागत है। इस संगीत सभा में उस्ताद असद अली खां साहब रुद्र वीणा वादन प्रस्तुत कर रहे हैं। उस्ताद असद अली खां, रुद्र वीणा भारतीय संगीत का बहुत पुराना वाद्य है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने इसे ईजाद किया था तथा कम से कम 5000 साल पुराना इसका इतिहास है। इस वाद्य के कई नाम हैं, यथा पार्वती वीणा, सरवीणा, सरस्वती वीणा, किंतु सबसे अधिक प्रचलित नाम है रुद्र वीणा। वीणा के बाद ही सितार का निर्माण हुआ। उस्ताद असद अली खां जयपुर के बीनकार घराने से संबंध हैं। इनकी पारिवारिक परंपरा 18वीं सदी से चली आती है। इनके पूर्वज जयपुर के दरबार में संगीतज्ञ थे। उस्ताद जी के पड़दादा उस्ताद रजब अली खां थे, दादा उस्ताद मुशर्रत खां और पिता थे उस्ताद सादिक अली खां, जो अपने समय के माने हुए बीनकार थे। उस्ताद असद अली खां खंडार वाणी के अनुगामी हैं। रुद्र वीणा आजकल बहुत ही कम देखने और सुनने में आता है। इस वाद्य को जीवित रखने का श्रेय आप ही के परिवार को जाता है और विशेषकर उस्ताद असद अली खां को। राग को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करना, उसे तरतीब से उसका विस्तार करना तथा सुनियोजित ढंग से उसका झाला बजाना तथा ध्रुपद धमार शैली में उसे पेश करना उनका विशेष गुण है। आजकल उस्ताद असद अली खां देहली विश्वविद्यालय में संगीत शिक्षा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका में भी उन्होंने अनेक नगरों में संगीत का शिक्षण दिया है। इन्हें अनेक अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी कानपुर, संगीत शिरोमणि अवार्ड आदि अनेक सम्मान इन्हें प्राप्त हुए हैं। संगीत नाटक अकादमी यूपी की ओर से तथा तिरुनाल ध्रुपद अवार्ड काशी से भी इसे इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उस्ताद असद अली खां इस समय ऋतु का राग मियाँ की मल्हार सुना रहे हैं। इसमें ये आलाप, जोड़ और झाला सुनाएंगे और उसके बाद एक गत संगति करेंगे पखावत कर पंडित गोपाल दास जी। तमुरी पर हैं इनके सुपुत्र श्री जकी हैदर और श्री मोहम्मद सकलेन। उस्ताद असद अली खां रुद्र वीणा पर राग मियाँ की मल्हार प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे तो आप लोगों ने मल्हार के कई सेशन और कई मल्हारें सुनी हैं। ख़ास तौर पर जिन रागों में मियाँ का नाम आता है उससे मतलब मियाँ तानसेन है, तो उन रागों पर उनको बहुत उबूर, बहुत कमांड और बहुत ही उनको रुचि थी। जैसे कि ये शुद्ध मल्हार है इसलिए उन्हीं के नाम से ये मंसूब हो गया, जैसे मियाँ की सारंग, मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार। मुझे मालूम है कि आप लोग आज जितनी बड़ी तादाद में भी आए हैं मुझे सुनने के लिए, ख़ास तौर से इस सीरियस म्यूज़िक को और वीणा को मैं आपका आभारी हूँ। शुरू में आलाप का ख़ास तौर पर जो है जिसमें राग को मैं डेवलप करूँगा, उसके बाद जोड़ का अंग है, उसके बाद कुछ झाले के प्रकार और आखिर में मैं एक ध्रुपद बंदिश गत नहीं, मैं इस पर चौताल में निबद्ध है वो आपके सामने पेश करूँगा।
Thank you.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
मैं थोड़ी देर राग देश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। Thank you.
करके किसी को बस खत्म करूंगा। Thank you.
आज के प्रमुख कलाकार उस्ताद असद अली खान साहब को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से गुलदस्ता पेश किया जा रहा है। परिषद की ओर से और आप सब की ओर से आज के कलाकारों को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं और आप सब श्रोताओं को भी जिन्होंने आज यहाँ आकर इस संगीत सभा को सफल बनाया, धन्यवाद।